नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के हमले के विरोध में चाईबासा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा का पुतला दहन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिम बांकीरा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिम बांकीरा ने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र को जिस तरह से खुलेआम तार तार किया जा रहा है वह काफी शर्मनाक है। प्रीतम ने कहा कि भाजपा अब त्रिपुरा में हार के भय से मारपीट पर उतारू हो गई है और पुलिस प्रशासन भी मुख दर्शन बनकर रह गई है। इससे साफ है कि त्रिपुरा की भाजपा नित सरकार एवं उसके मुख्यमंत्री मानिक सरकार को अब जनादेश नहीं मिलने का डर सताने लगा है, इसलिए अब वे ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। जिन्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या चीज का पुतला दहन है सर, इसके बारे में बताइए। कल जिस तरीके की घटना घटी है इसने पूरे देश को संसार किया, पूरे लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कल डॉक्टर अजय कुमार जी शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में, जो हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालना, जुलूस निकालना, प्रचार करना, प्रसार करना, चुनावी प्रचार में रैली निकाले हुए थे मोटरसाइकिल से, प्रशासन के सामने दुख इस बात की है कि चुनाव आयोग ने वहां सीआरपीएफ भेजा है और सीआरपीएफ के आईजी वहां मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में एक मंत्री उस पूरे काफिले को रोकता है और कहता है कि आप यहां नहीं घुस सकते, हम आपको यहां नहीं घुसने देंगे, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी का मंत्री है, मैंने इस लोकतंत्र में चुनाव के समय में चुनावी प्रचार करने का अधिकार सारे राजनीतिक पार्टियों को है। अगर इस तरीके से बीजेपी सरेआम, वहाँ स्थानीय पुलिस है, सीआरपीएफ का आईजी स्तर का पदाधिकारी है और सारे लोगों के मौजूदगी में कहता है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, आप वापस जाइए, और इस बात को लेकर के वो अपनी शिकायत आईजी से कर रहे हैं कि देखिए हमको जबरदस्ती रोका जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।